जैन साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, प्रतिदिन की तरह जो आज की सीसीएस यूनिवर्सिटी की न्यूज है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, और साथ के साथ जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके भी आंसर करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके बारे में। तो काफी सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं नए सत्र के एडमिशन को लेकर। नए सत्र के जो एडमिशन है बहुत जल्द शुरू कर दिए जाएंगे। जो नए सत्र के एडमिशन है, हो सकता है इसी मंथ के लास्ट वीक में आपका जो पोर्टल है ओपन कर दिया जाए, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो ओपन कर दिया जाए। जो कुछ कोर्सेज को छोड़कर, जैसे आपका बीपीएड है, एमपीएड है, आपका एमएड है, तो उसको छोड़कर एलएलएम है, बाकी सभी में मेरिट के बेस पर एडमिशन कराए जाते हैं। यानी कि जो सीसीएस यूनिवर्सिटी में आपके बीबीए, बीसीए, बीबीए, बीए, बीकॉम, ये जो कोर्सेज हैं, इन सभी में मेरिट के बेस पे एडमिशन होते हैं। यानी कि पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद में फिर आपकी मेरिट लगती है। इसके लिए आपके जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है बहुत जल्द ओपन कर दिया जाएगा, यानी कि हो सकता है इस मंथ के लास्ट में आपका पोर्टल ओपन कर दिया जाए। अब आगे बात करते हैं, बच्चे अपने रिजल्ट को लेकर परेशान है, काफी सारे कोर्सेज का जो अभी तक रिजल्ट पेंडिंग में है, रिजल्ट नहीं आया है, तो उसके लिए अभी यही कहा जा रहा है कि आजकल चीजें चल रही हैं उसमें, लेकिन आज एक कोर्स का रिजल्ट फिर डिक्लेयर किया गया है, यानी कि जो हमारा एलएलएम है, एलएलएम के थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। वो आप सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो यानी कि जो एलएलएम आपका एलएलएम कोर्स है, एलएलएम में थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, वो आप सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं जो हमारे एग्जाम होने हैं एलएलबी, बीएलएलबी और एलएलएम के, तो उसके लिए जो ऑनलाइन के एग्जाम को लेकर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, अभी तक भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आपके जो ऑनलाइन एग्जाम है किस तरीके से कराए जाने हैं। कभी कहा जा रहा है कि आपके जो ऑनलाइन एग्जाम है सिर्फ सिस्टम पर ही हो पाएंगे, वो बच्चे ही एग्जाम दे पाएंगे ऑनलाइन जिनके पास में कंप्यूटर या लैपटॉप है और जिनको हिंदी या इंग्लिश की टाइपिंग आती है। तो बहुत टिपिकल है, यदि हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग आती भी है तो मैटर करेगा स्पीड कितनी है, या आपका जो पेपर है वो मेल पर आएगा, पेपर मेल पे आने के बाद में आपकी जो मेल आईडी है, अभी लगभग 500 बच्चों की मेल आईडी गलत है। अब जो आपके पेपर है वो 26 जुलाई से पेपर होने हैं, आज 19 जुलाई हो चुकी है, आज वैसे जो मीटिंग है परीक्षा समिति की, आज मीटिंग है यूनिवर्सिटी में, तो लेकिन अभी तक भी क्लियर नहीं हो पाया है कि जो आपका पेपर है वो किस तरीके से कराया जाएगा ऑनलाइन मोड में। इसीलिए जो चीजें हैं वो क्लियर नहीं हो पा रही है, मैं भी इसीलिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूं क्योंकि अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। अब कहा जा रहा है कि आपको ऐप के माध्यम से उस पर ऐप पर एग्जाम कराया जाए, तो अभी चीजें क्लियर नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम आ रही है कि सभी के पास में लैपटॉप आपका डेस्कटॉप नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास में आपके जो लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं है, उनके पास मोबाइल है, कैमरे के सामने एग्जाम देना है, किस तरीके से उन्हें, बहुत बड़ी समस्या भी चल रही है। तो अभी चीजें बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। आज मीटिंग रखी गई है परीक्षा, जो आपकी परीक्षा समिति की जो बैठक है उसमें कुछ आज फैसला हो सकता है। जैसा भी फैसला होगा, जिस भी तरीके से निर्णय आएगा, तो उसके लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पर। बाकी आगे हम बात करते हैं जो हमारे मौखिक, यानी कि जो हमारे वाइवा और प्रैक्टिकल हैं, जो बच्चे छूट गए थे या आपका जिन बच्चों के प्रैक्टिकल या वाइवा रह गए थे, तो उनके जो प्रैक्टिकल और वाइवा हैं वो 2 अगस्त को होने हैं। उसके लिए 2 अगस्त की डेट रखी गई है, तो जिन बच्चों के प्रैक्टिकल और वाइवा छूटे हैं तो वो अपना चेक कर सकते हैं, उनके 2 अगस्त को प्रैक्टिकल और वाइवा होने हैं। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।